आपके रिश्ते में इग्नोरेंस बढ़ रही है। क्या इग्नोरेंस इतनी ज्यादा हो गई कि आपका अपना जो प्रेजेंस है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा? पैर के तलवे पर ये नंबर लिख दीजिए। इग्नोर कर नहीं पाएगा, दूर रह नहीं पाएगा, तुम्हारे बगैर चैन से जी भी नहीं पाएगा। बहुत मुश्किल है प्यार में अलग थलग होना। कोई एक ही क्यों इस ताकत उठाए? दोनों तरफ आग बराबर लगनी चाहिए, दोनों में प्रेम बराबर होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के लिए बराबर तड़फने चाहिए, दोनों तरफ सब कुछ बराबर बराबर होना चाहिए। सख पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है और दोनों ओर प्रेम पलता है, ये सद्भावना बढ़ेगी। जान लीजिए क्या लिखना है पैर के तलवे पर, पूरा का पूरा विश्लेषण। मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। शादी के पहले शादी के बाद की हर रिश्ते का समाधान सिर्फ हम एक ही संदर्भ में बात करते हैं। क्यों हम पेट दर्द के लिए सर दर्द वाले डॉक्टर के पास जाएं? क्यों हड्डी के डॉक्टर के पास हार्ट का ऑपरेशन कराने क्यों जाएं? जो जिस चीज का जानकार है उसी से क्यों नहीं उसका समाधान? तलवे पर यह नंबर लिख दीजिए, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका रिश्ता आपसे दूर रह नहीं पाएगा। तलवे पर यह नंबर लिखते ही आपके अपने जीवन में किसी भी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। तलवे पर यह नंबर लिखने से वशीकरण होता है, तलवे पर यह नंबर लिखने से आकर्षण बढ़ जाता है, तलवे पर यह नंबर लिखने से कोई भी व्यक्ति तुम्हारा गुलाम होता है, तलवे पर यह नंबर लिखने से कोई भी व्यक्ति तुम्हारे चरणों में झुक जाता है। क्योंकि जब भी हम किसी को प्रणाम करते हैं तो क्या करते हैं, जब भी हम किसी को प्रणाम कर रहे होते हैं तो बड़ा ध्यान से समझिए, हम सिर्फ प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हम एक भावना को जगा रहे हैं, हम एक भावना का दर्शन कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि हम आपको इतना मानते हैं कि आपके शरीर का सबसे निचला हिस्सा हमारे शरीर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से के बराबर है, इतना सम्मान कर रहे हैं आपका, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम एक भावना है। जब भी कोई तुम्हारे नतमस्तक हो जाए, अक्सर तुमने सुना होगा भाई उसने तो उसको पल्लू से बांध रखा है, हमने सब सिखाया है आपको, ये जो कहावतें थी ये ऐसे ही नहीं, इसके पीछे बड़ी घटना है, इसके पीछे बहुत बहुत रहस्य है, इसके पीछे पूरा का पूरा तिलिस्म है वो जुड़ा हुआ है। लोग कहते भैया ये तो भैया तलवे ही चाटेगा इसकी, तो तलवे कोई कैसे चाटे, कैसे तुम्हारे पैरों के नीचे ही रहे, कैसे ही तुम्हारे अधीनस्थ रहे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा रिश्ता, उसके लिए समाधान है। सामूहिक तौर पर आज का उपाय बहुत कारगर है, आज का उपाय बहुत बेहतरीन है, बहुत सबके काम आने वाला है और सबके जीवन को बहुत खास करने वाला है ना। सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय में आपको करना कुछ खास नहीं है, आपको अगर आप पुरुष हैं तो अपने बाएं पैर में, आप स्त्री हैं तो अपने दाहिने पैर में। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे हाथ का ये एक अंगूठे के साइड में एक ये जगह होती है, जो अगर आप हाथ जमीन पर रखें तो ये वाला पोर्शन उठा रहेगा, ऐसे ही पैर में भी एक जगह होती है साइड में अंदर की ओर, पैर के अंदर की ओर अगर ऐसे पैर रखो तो इधर होगा और एक इस साइड होगा, अंदर की ओर एक ऐसी जगह होती है जो उठी रहती है, बस उस वाले जगह का इस्तेमाल करना है। उस वाले जगह में आपको गौमूत्र से और या तो गंगा जल से पहले स्नान कर लें, उसके बाद उस जगह को साफ कर लें, क्लीन कर लें। तत्पश्चात आपको करना यह है कि नीचे की तरफ झिकपिचा करके अपने प्यार का नाम लिखिए और उसके ऊपर लिखिए 97847, बस ये नंबर लिख दीजिए। जैसे ही आप ये नंबर लिखेंगे आप यकीन मानिए ये नंबर बाद में मिटेगा, हाँ ये नंबर बाद में मिटेगा, आपके जीवन में परिवर्तन पहले होगा। 99.9% संभावनाएं हैं कि वो तुम्हारा पूरा गुलाम बन जाए, 99.9% संभावनाएं हैं कि वो हर हाल में तुम्हारा ही हो जाए, 99.9% संभावनाएं हैं कि वो आपके अलावा किसी और की तरफ देख ही ना पाए, 99.9% संभावनाएं हैं कि अब बस बहुत हुआ दूसरों की तरफ देखना, दूसरों की बातें सुनना, किसी और के कहे में आ जाना, किसी और की तरफ भाग जाना, तुम्हें छोड़कर जाना, तुम्हें ब्लॉक करना, तुम्हारा फोन नहीं लेना, जितनी भी कवायदें थी वो सब समाप्त। 0.1% ही आपको रिपीट कर सकता है।
दो तीन बार किया जाना पड़ सकता है काम। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ मंगलवार छोड़ देना, बाकी किसी भी नहीं सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से ये उपाय करना, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, अपना बहुत ख्याल रखो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। तुम जितना अपना ध्यान रखोगे अपना साज सज्जा पर, अपनी सुंदरता पर, अपने सोने पर, अपने मुस्कुराने पर, पानी पीने पर, उतनी जल्दी सब चीजें ठीक होंगी। और क्या नहीं करना, प्रीवियस लाइफ बताना, रोना, नेगेटिव होना, उल्टी सीधी सोच रखना, ये सब नहीं करना। अगर ये सब नहीं करोगे तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ हूँ, और सिर्फ लाइफ में ही नहीं, मैं वैसे भी तुम्हारे साथ हूँ, वैसे भी तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। मैं पता है ना, 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोता हूँ, बाकी 22 घंटे तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ कवायद नहीं है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, सत्य है। खुश रहो, खूब इंजॉय करो, अपना बहुत ख्याल रखना, मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ, बहुत दिल से साधुवाद और धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।